ये एक्चुअल डॉग नहीं है बल्कि ये एआई जनरेटेड है। आप खुद सोचें, ये देखें इसको, ये एआई जनरेटेड है भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप मुझसे ये पूछें कि यूट्यूब ऑटोमेशन में मेरी सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो आज की ये वीडियो है ना, ये मेरी सबसे फेवरेट वीडियो होगी। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दिस वीडियो। और बेसिकली इस वीडियो में जिस टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्या ही मजे का टूल है, बहुत अमेजिंग टूल है। और उससे आपकी यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। एक बात याद रखें कि कुछ लोगों के लिए जर्नी बहुत आसान होगी और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। जो लोग इस टूल को समझ जाएंगे, इस सारे प्रोसेस को समझ जाएंगे, उनके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। और जो नहीं समझेंगे, उनके लिए यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। देखें, यूट्यूब ऑटोमेशन जिन लोगों को नहीं पता, ये होता है कि आप अपना फेसलेस चैनल बना देते हो और उस पर आप जाके एक स्क्रिप्ट लिखते हो, वॉइस ओवर करते हो, और उसकी बेस पे आप वीडियो एडिट कर लेते हो, क्लिप्स लगाते हो, स्टॉक फुटेज लगाते हो, और आपका चैनल मोनिटाइज होता है, आप अर्न करते हो। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट। इस पर मैंने बहुत ज्यादा समझाया, बाकी लोग भी सिखा रहे हैं। अब एक मसला ये होता है कि जो स्टॉक फुटेज होती है, उनकी कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक स्टोरी ब्लॉग्स है या बाकी और हैं, तो उनमें मसला ये होता है कि वो आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, दूसरा भी, तीसरा भी। अब जीपीटी वालों ने एक टेक्स्ट टू वीडियो टूल मुतारिफ करवाया, जिसमें ये होगा कि आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, यानी टेक्स्ट लिखेंगे कि आई वॉन्ट अ पिक्चर ऑफ रोनाल्डो प्लेइंग विद मैसी या समथिंग, जो भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो आपको सारा का सारा उसी तरह की एआई जनरेटेड एक्चुअल क्लिप्स क्रिएट करके दे देगा। इसको दोबारा समझ लेते हैं। बेसिकली होगा ये कि जो स्टोरी ब्लॉग्स है उसमें पहले से प्री मेड क्लिप्स हैं और वो हमें क्लिप्स दे रहे हैं और हम उनको यूज कर रहे हैं, वो आप भी कर रहे हो, मैं भी, 100 और लोग कर रहे हैं, 1000 लोग कर रहे हैं। ये आपको कस्टमाइज एआई जनरेटेड वीडियो क्लिप्स बना के दे देगा। बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, ये एक ओरिजिनल वीडियो नहीं है बल्कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। ना कि इसमें किसी ने कैमरा उठाया है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि ये रियलिस्टिकली एआई जनरेटेड वीडियो है। और ये जीपीटी वालों ने मुतारिफ करवाया, अभी तक ये मार्केट में नहीं आया। इसका नाम है सोरा। सोरा ये वो पंजाबी वाला सोरा नहीं है बल्कि ये सोरा अलग है। अभी हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं, मैं आपको इसकी सारी की सारी एआई जनरेटेड क्लिप दिखाता हूँ, और क्या ही मजा हो गया, इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बातें लंबी होगी, आ जाए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा यार, ये है ओपन एआई वालों की तरफ से openai.com/sora। अभी तक ये मार्केट में आया नहीं है, जस्ट मे बी टेस्टिंग फेज में आएगा बाद में, लेकिन फिलहाल नहीं आया। ठीक है, क्रिएटिंग वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। इसमें अभी हम नीचे आ जाते हैं, इसको आप पढ़ लें, मसला नहीं है। इस क्लिप को देखें, सबसे पहले आप इस क्लिप को देखें, ये एक पीछे आ जाए, दोबारा देखें, ये देखें, ये खातून जा रही है, ठीक है। अब देखें नीचे प्रॉम्प्ट को पढ़ते हैं, अ स्टाइलिश वुमन, स्टाइलिश तो वो है ही, देखने में ही लग रहा है, वॉक्स डाउन अ टोक्यो स्ट्रीट फिल्ड विद वार्म ग्लोइंग नियॉन एंड एनिमेटेड सिटी सिग्नेज। सिग्नेज मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन नियॉन कह रहे हैं, इफेक्ट है, ग्लोइंग नियॉन है, ठीक है। ये सारा देखें, वैसे ही ग्लो कर रहे हैं। और उसके अलावा ये सब साथ साथ बता रहे हैं कि शी वियर्स अ ब्लैक लेदर जैकेट, तो इसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई है, अ लॉन्ग रेड ड्रेस, तो लॉन्ग रेड ड्रेस है पूरा, देख लें, एंड ब्लैक बूट्स, ये ब्लू बूट्स भी इसके ब्लैक हैं, ये वो पाकिस्तानी फौज वाले ब्लैक बूट्स नहीं है, ठीक है, ख्याल करना, ठीक है भाई, मैं चलता हूं, ओके। अच्छा ये देख लें, अब इस क्लिप को आप प्ले करें, भाई क्या कमाल है। कहीं से भी अगर आपको लग रहा हो कि ये एआई जनरेटेड है, कोई कार्टूनिश वीडियो है, कुछ भी नहीं, रियलिस्टिक वीडियो है, और ये ओपन एआई वाले आगे हमें देंगे, यार क्या ही कमाल हो जाएगा। और ये एक नहीं, मैं भी आपको और बहुत सारा दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें अब हिस्टोरिकल फुटेज ऑफ कैलिफोर्निया ड्यूरिंग द गोल्ड रश। यार गोल्ड रश के बारे में आपको बताता हूँ, 2018 में मैंने ये सीएचएस में पढ़ा था, देखो आज जिंदगी में काम आ रहा है, कहते हैं पढ़ाई कभी भी जाया नहीं होती। गोल्ड रश ये हुआ कि कैलिफोर्निया यूएसए की एक स्टेट है, वहां पे ये हुआ कि एक जगह से गोल्ड निकल आया, 18 पता नहीं 80 में या कब, तो वहां पे ना वो पूरे मुल्क में फैल गया कि यार यहाँ से गोल्ड निकल रहा है, तो पूरे मुल्क से ना लोग पहले गेंतियां बेलचे वो उठा के वहां पे पहुंच गए, कोई इधर से निकाल रहा है, कोई इधर से, एक बहुत बड़े रकबे पे, बहुत लंबे बड़े एरिया पे, फिर उन्होंने वहां पे फौज शौज बुलाई और इस तरह करके ना उन्होंने वहां से वो लोगों को हटाया था, और फिर मतलब इस तरह वो स्टेट ने कब्जे में लिया, इस तरह का कोई सीन था, मे बी मैं थोड़ा भूला हूँ, लेकिन इसी तरह की स्टोरी थी। तो अभी आप यहाँ पे आ जाइए, देखें हिस्टोरिकल फुटेज ऑफ कैलिफोर्निया ड्यूरिंग द गोल्ड रश, के यार गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया कैसा था, ये देखो लोग ये गधों वगैरह पे लोग मेरे ख्याल में सोना वगैरह लेके जा रहे हैं, क्या ये देखें, ये नदी जा रही है, ये कोई पिंडी का नाला लही लग रहा है, इस तरह देख ले, तो यार क्या कमाल है, ये रिकॉर्ड नहीं हुई फुटेज, और ये बल्कि एआई जनरेटेड फुटेज है। बिलीव मी के पिछले 10-15 दिन हो गए, मेरी एक नीश है, उस पर मेरे कुछ कंपेटिटर्स हैं और वो इसी तरह की एआई जनरेटेड वीडियोस निकाल रहे हैं, और मैं बस मार रहा था कि यार किसी तरह ये फुटेज मुझे मिल जाए, और वो 25-30 मिनट की सीधी सीधी एक ही फुटेज किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म से निकाल रहे हैं कि सीधी सीधी ना, तो वो अब मैं नीच रिवील नहीं कर सकता या ज़्यादा नहीं बता सकता, तो मैं कह रहा था यार काश मेरा ये मामला हल हो जाए, मैंने इतनी रिसर्च कर रहा हूँ अभी भी कर रहा हूँ, तो ये देख लें इन्होंने किस तरह ये निकाल दिया, और मतलब मज़े हो गए, ठीक है, आगे आए, ठीक है। सिर्फ फुटेज ही नहीं होंगी बल्कि कार्टूनिश वीडियोज़ होंगी, एनिमेशन जो मर्जी आपको चाहिए वही आपको देगा, आगे आ जाए, ठीक है। ये क्या है जी,
ये कैमरा शोज के यार एक वाइट एसयूवी है वो जा रही है, ये देखें जो भी क्लिप है इसको, ये आप पढ़ लें, इन्होंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो ये देखें ये कितने मजे से जा रही है, बिल्कुल एक्चुअल पहाड़ियां नीचे, ये देख लें, ये बहुत हैवी लेवल का डाटा है यार, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। आप खुद सोचें कि डाटा मतलब किस तरह इसको हैंडलिंग कर रहे हो, ये क्या क्या हो रहा है। मैं कोई बहुत ज्यादा कोई डाटा का बंदा नहीं हूं, लेकिन मैं इस सारे डाटा को यूज कर सकता हूँ, मुझे यूज करना आता है, आपको भी यूज करना सिखाऊंगा और आप खुद सीख ही जाएंगे। वैसे भी बड़ा सिंपल है और इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, 20-30 MB की ये फाइल्स हैं, तो आप खुद सोचेंगे कि क्या ही मजेदार किस्म का ये काम है। आगे आ जाए, अभी आगे बहुत कुछ है, ठीक है। टूर ऑफ एन आर्ट गैलरी विद मैनी ब्यूटिफुल वर्क ऑफ आर्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यार एक आर्ट गैलरी में जाओ जहां पे आर्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हो, तो ये देख लें भाई, वाह आप खुद ही देख लें, आगे नजर आ रहा है, ठीक है, ये सब AI जनरेटेड है। फिर ये बंदा शायद वर्क कर रहा है, अच्छा और भी इसमें बहुत मजे के थे, ये देखो ये डॉग, ठीक है। द कैमरा डायरेक्टली फेसेस कलरफुल बिल्डिंग इन ब्यूरोनो इटली, ठीक है, ये कलरफुल बिल्डिंग है, यानी रेड व्हाइट, ये ठीक है कलरफुल हो गई, इटली है, चलो। एन अडोरेबल, अडोरेबल मतलब के काबिले मोहब्बत, डलमेशियन लुक्स थ्रू अ विंडो ऑन अ बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो ये डलमेशियन पता नहीं कुत्ते को कहते हैं क्या है, मुझे नहीं पता। मैनी पीपल आर वॉकिंग, ये बाकी और भी प्रॉम्प्ट है आप पढ़ लो, तो प्रॉम्प्ट को छोड़ो, ये देखो यार वाह भाई, ये एक्चुअल डॉग नहीं है बल्कि ये AI जनरेटेड है, आप खुद सोचें, ये देखें इसको, ये AI जनरेटेड है भाई, क्या कमाल है यार, देखो कितने मजे से जा रहा है, अल्ट्रा रियलिस्टिक, मतलब कोई कह नहीं सकता कि यार ये AI जनरेटेड है, ये ह्यूमन नहीं है, वाओ यार, मतलब ह्यूमन नहीं बल्कि इंसान ने बनाया है। तो यार ये है कमाल आज का और ये है आज की वीडियो। अच्छा इसका ना सबसे बड़ा फायदा हमें क्या होगा, जो पहले हमें रीयूज कंटेंट का इशू आता था ना, वो रीयूज कंटेंट मसला मेरे ख्याल में नहीं आएगा, बिकॉज ये AI जनरेटेड रियल पिक्चर्स हैं, सॉरी रियल वीडियो क्लिप्स हैं, लाइक इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं हो सकती कि यार ये AI है या रियल है। तो अगर पहले YouTube का प्लान था कि भाई हम AI जनरेटेड वीडियोज को नहीं छोड़ेंगे, उनको टारगेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि यार YouTube इसको डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये AI जनरेटेड है या ह्यूमन है। अगर AI जनरेटेड है भी तो YouTube कब तक भागेगा, YouTube कभी भी नहीं भागेगा, YouTube कहेगा भाई इसको अडॉप्ट करो। इवन YouTube मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या रिसर्च है, वो खुद इस तरह के AI को अडॉप्ट करेगा और वो अपने मतलब अपने बिल्ट इन सिस्टम के अंदर लाएगा। तो यार इससे आप खुद देखो कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। आपको चाहिए कि यार मुझे एक क्लिप चाहिए जिसमें दो जहाज उड़ रहे हो, एक जहाज दूसरे जहाज से टक्कर मार रहा हो, मतलब कोई अभी अभी अभिनंदन जो था वो गिर रहा हो, कुछ इस तरह, आपको जो मर्जी चाहिए ये आपको देगा। अच्छा उसके अलावा अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ये कब आएगा, तो यार ये अभी टेस्टिंग फेज में है, ये बेसिकली ना जो उनका बीटा वर्जन कह लें, अभी पब्लिक को नहीं मिला, बल्कि ये उनके जो एम्प्लॉयज वगैरह या जो टेस्टर्स होते हैं, जो कंपनीज क्वालिटी चेक करती हैं इस IT की दुनिया में, तो ये अभी उनके पास है, वो चेक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है, ये जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। जब ये रिलीज होगा मेरे ख्याल में यार, अगर इसकी ना $100-$200 भी प्राइस है, $300 भी है ना, तब भी ये एक जस्टिफाई होता है कि यार ये ले लेना। इसकी वजह यही है कि आप खुद देख लो कि यार इसका क्या कमाल क्या है, ना रीयूज का मसला, ना ऐसा मसला, ना वैसा मसला। इवन आप इसमें एनिमेटेड क्लिप्स बनवा दो, बस दैट्स इट। अगर आपको क्लिप्स नहीं मजा आ रहा, आप एनिमेटेड कर लो, कार्टून वीडियोज बनाओ, आप पता नहीं क्या ना क्या करो, मतलब फिर स्काई इज द लिमिट। और यूट्यूब ऑटोमेशन एक नए वे में आप इसको बहुत आगे लेके जा सकते हो। तो मेरे ख्याल में यार आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड 2024 वुड बी समथिंग अमेजिंग फॉर यूट्यूब ऑटोमेशन। तो लेट्स सी के क्या होता है। थैंक यू।